साथियों, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इसकी वजह से विशेष तौर पर टूरिज्म के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत बड़े नए अवसर बन रहे हैं। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि आज भारत दुनिया के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक बनता जा रहा है। देश के पर्यटन स्थलों को और भव्य बनाने, स्वच्छ बनाने, आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर सरकार बहुत निवेश कर रही है। इसी का नतीजा है कि बीते 5 वर्ष में टूरिज्म की विश्व रैंकिंग में भारत ने 31 रैंक का सुधार किया। 31 रैंक, पहले हम 65वें नंबर पर थे, 65, आज हम 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और इसमें और सुधार के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि पर्यटन बढ़ने में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान आस्था और अध्यात्म से जुड़े पर्यटन यानी हेरिटेज टूरिज्म का भी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को लेकर, आज स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर के आज दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। कुरुक्षेत्र तो हमारी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक सिरमौर है, एक अहम हिस्सा है। मनोहर लाल जी की सरकार ने यहां गीता जयंती महोत्सव जैसे उत्सवों से कुरुक्षेत्र की विरासत को और समृद्ध किया है। यहां ब्रह्म सरोवर की पहले क्या हालत थी, क्या कुरुक्षेत्र के लोग नहीं जानते? क्या हिंदुस्तान भर से जो यात्री आते थे वो नहीं देखते थे? इस पौराणिक सरोवर को पुनर्जीवित करने से अब यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ गया है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि कुरुक्षेत्र जैसे हमारे महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा पूरे विश्व में होनी चाहिए। यहां ऐसी सुविधाओं का विकास हो जिससे देश और विदेश के टूरिस्ट यहां बार बार आने के लिए प्रेरित हो। कृष्णा सर्किट योजना से कुरुक्षेत्र को जोड़ने के पीछे भी यही लक्ष्य है। इससे देश भर में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि भगवान कृष्ण के भक्तों को भी आसानी हो और हमारे युवा साथियों को रोजगार के अवसर भी मिल पाए। मैं तो चाहूंगा जब देश के लोग परिवार के साथ घूमने के लिए टॉप 15 स्थानों की लिस्ट बनाए तो उसमें एक मेरा कुरुक्षेत्र भी होना चाहिए।